तो हमने अभी लास्ट किया था यूजेस ऑफ प्लांट, जैसे हमने जाना था कि प्लांट आर यूजफुल इन द, ये सारी चीजें हैं जिसमें प्लांट हमारी हेल्प करता है, प्लांट से हम लेते हैं खाना, लकड़ी, तेल, और चॉकलेट वाले प्लांट्स हो गए, एनर्जी वाले प्लांट्स हो गए, ऑयल, मेडिसन, फ्लावर्स। हमने बात किया था मेडिसन तक, अब हम बात करेंगे फ्लावर्स का। तो अवलीना यहाँ से यहाँ तक रीड करो। द कलरफुल फ्लावर्स और प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू मेक द सराउंडिंग्स लुक ब्यूटीफुल। सम फ्लावर्स लाइक जैस्मिन, रोज, मोगरा एक्सेट्रा आर यूज टू मेक परफ्यूम। तो परफ्यूम क्या होता है? परफ्यूम बनता है फ्लावर्स से, जैसे द द कलरफुल फ्लावर, मतलब बहुत सारे कलर के फ्लावर्स होते हैं, ऑफ प्लांट, बहुत कलर के फ्लावर्स होते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प टू मेक ए सराउंडिंग ब्यूटीफुल्स, मतलब हमारे आसपास की चीजों को फ्लावर्स ब्यूटीफुल बनाते हैं और भी सुंदर बनाते हैं। कुछ फ्लावर होते हैं जैसे जैस्मिन हो गया, रोज हो गया, ये सारे मिल, मतलब ये सारे कुछ फ्लावर्स हैं जो कि परफ्यूम बनाते हैं। अब किसी को रोज का स्मेल पसंद है तो रोज का परफ्यूम लेता है, वैसे ही। अब फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, यानी कपड़े। तो वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक ए कॉटन। अब यहाँ पर फाइबर मैं बता दूं आपको, जैसे कि प्लांट कॉटन का होता है जिससे क्लोथ बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कोकोनट हो गया, तो अभी मेरे को फिलहाल कॉटन का ही पता है। तो कॉटन, कॉटन का जो प्लांट होता है, उससे आपने देखा होगा जो सर्दियां आती हैं, फिर आप कॉटन के भी पहनते हो। और शीप से भी हमें फाइबर्स मिलते हैं, जो शीप के बाल होते हैं उससे क्या होता है, उसको ठंडी में यूज किया जाता है, विंटर में। देखा है आपने कभी? अलीना, मेरी आवाज आ रही आपको? यस मैम। अच्छा, आपको पता रबर क्या होता है? लवर। यस मैम। हैं वो भी हमें ट्री से मिलता है। पेपर, पेपर भी हमें क्या होता है, बैम्बू ट्री होती है एक, यूज टू मेक ए ट्री, उससे मतलब उसको हम यूज करते हैं पेपर बनाने के लिए। एक ट्री है जो कि ट्री से रबर मिलता है, कपड़े मिलते हैं और पेपर मिलता है, ये सारी चीजें हमें मिलती है किससे? प्लांट से। तो हम नीचे आते हैं, अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे एटमोस्फियर लिखा है, ओके, कंपोस्ट लिखा है, इज ए मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड देयर वेस्ट मैटर। ओके अलीना, इसको रीड करो, इम्पोर्टेंट है। कंपोस्ट प्लांट्स एंड वेस्ट मैटर और इज पुट इनटू अ इन इट इन ग्राउंड। अ लिटिल वाटर इज एडेड टू द मटेरियल आफ्टर एवरी 2 or 3 days। द इनकमेस्ट मटेरियल कैन बी यूज्ड एज मैन्यूर। After about 4 weeks, it makes the soil fertile. ओके, आपको पता है कंपोस्ट क्या होता है रीना? No, ma'am. कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। अब खाद क्या होता है पता है आपको? No, ma'am. खाद मतलब जैसे कोई प्लांट है, आपके घर में कोई प्लांट है? नो मैम। अलीना, कोई भी प्लांट नहीं है, छोटा प्लांट? अच्छा, खाद मतलब आप कह हाँ सकते हो क्या? मैम, वो था हमारे पास। अच्छा, खाद मतलब, खाद इज ए मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड देयर वेस्ट मैटर। खाद जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ के नीचे जो सॉइल होती है, मिट्टी को हम सॉइल कहते हैं, याद रखना।
जो पेड़ की जरूरत होती है, जैसे कि हम लोग मार्केट से जाके बोलते हैं कि हमारा जो पेड़ है वो मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर उसमें दाने दाने हो रहे हैं, या फिर उसके फ्रूट जो है वो खट्टे आ रहे हैं, ज्यादा ही खट्टे हैं, मीठे नहीं हो रहे, तो हम फिर उसकी दवाई लाते हैं और वो उसकी मिट्टी में डालते हैं, फिर वही खाद होता है। ठीक है। अब प्लांट एंड देयर वेस्ट मैटर, जो प्लांट का खराब चीज होता है, वेस्ट मैटर, मैटर यानी चीज, कोई भी खराब चीज होती है, ऑल दिस मटीरियल, ये सारे जो मटीरियल, ये सारे जो चीजें हैं, इज पुट इनटू ए ग्राउंड, वो सारी चीजें हम ग्राउंड में डाल देते हैं। ए लिटल वाटर इज एडेड टू द मिनरल आफ्टर, मिनरल मटेरियल, सॉरी मटेरियल आफ्टर बेरी एवरी 2 और 3 डेज। अब देखो, जैसे कि कोई मिट्टी है, मिट्टी को आपने अच्छी तरह ग्रो करने के लिए कोई चीज लाए हो मार्केट से, और वो भी एक मिट्टी है, वो खाद है, वो उसकी खाना है, तो उसमें क्या है कि आप उसको पहले अच्छी तरह तोड़ोगे फोड़ोगे, मतलब थोड़े जो टाइट टाइट होंगे, फिर उसको आप प्लांट में ऐड करोगे और फिर थोड़ा सा पानी दोगे, तो जो आपके प्लांट के लिए जो चीज आप लेके आए हो ना, फिर वो 2-3 दिन के बाद आपका प्लांट है वो चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा और जो चीज आप चाहते हो वो होने लगेगा। तो द कंपोस्ट मटेरियल कैन बी यूज्ड, अब कोई भी जैसे कि वेस्ट चीज होती है जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, इट मेक द सॉइल, मतलब ये सॉइल को और भी अच्छा बनाती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन, क्या लीना आपको ऑक्सीजन पता है? यस मैम, क्या होता है? मैं वो सांस लेने में मदद करता है। आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ट्री से। ट्री हाँ, और अब आप इसको रीड करो। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन, डर्निंग डर्निंग प्रोग्रेस ऑफ फोटो साइंटिस्ट वी यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, इट एनवायरनमेंट ऑल्सो हेल्प एनवायरनमेंट टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड फ्रेश। ओके। अब मेरे साथ इसको रिपीट करो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिपीट करो अलीना। फोटो साइंटिस्ट, फोटोसिंथेसिस, हाँ फोटो साइंटिस्ट, ऑक्सीजन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? डाइऑक्साइड। मैम नहीं पता। ओके, आपको एक चीज पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, जो आपको पता ही है, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस ले छोड़ते हैं, ये पता है ना? हाँ, तो जो हम सांस लेते हैं उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, और जो सांस हम छोड़ते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन जो डाइऑक्साइड है ये एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब ना ये थोड़ा बड़ी क्लास का टॉपिक है जो मैं आपको छोटा छोटा करूंगी कोशिश समझाने का, जिससे आपको समझ आ जाए। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग छोड़ते हैं, यानी हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन जो प्लांट देता है, लेकिन प्लांट भी कुछ लेता है। प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो सांस हम छोड़ते हैं वो प्लांट लेता है, और जो प्लांट छोड़ता है वो हम लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ना, इसका नाम लेना आपको आना चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उससे पेड़ अपना खाना बनाता है, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना, पेड़ खाना आपको क्या बोले?
उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगी वैसे वैसे आपका एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा बहुत धीरे धीरे से। सो फोटोसिंथेसिस आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट खाना बनाता है, जिससे खाना बनता है प्लांट का, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वी यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं सांस लेने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प टू कीप एनवायरमेंट क्लीन एंड फ्रेश। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन उसको कौन लेता है, प्लांट यानी ट्रीज प्लांट, और प्लांट छोड़ते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन कौन लेता है, पूरे लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सलीना आपको पता है, क्या लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स पता है आपको क्या होता है लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग मतलब जो और लिविंग लिविंग जो हम रहते हैं और उनके सामान जिनका क्या लीना, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा रिपीट करो। मैम जीते जो है जीने का नहीं, अभी मैंने आपको ये ग्रामर में भी पढ़ाया था और मैं आपको अभी दोबारा बता देती हूँ। लिविंग थिंग्स होता है जो चीज सांस लेती है, खाना खाती है, उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी जो बढ़ रहा है। अब प्लांट है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड उसका खाना है, वो ले रहा है और वो बढ़ रहा है। छोटे से प्लांट से बड़ा सा ट्री बन जाए, सॉरी छोटे से सीड से वो प्लांट बड़ा सा बन जाता है, तो वो बढ़ रहा है, वो लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स होता है जो ना खा रहा है ना बढ़ रहा है, यानी हमारा टेबल, टेबल ना खाना खाता है ना बढ़ता है, उसको तुम जैसे रखोगे वो वैसे ही रहेगा। ठीक है अलीना, समझ आ गया? अलीना यस अलीना, आपकी मैं आवाज समझ में आ आ रही है। गया। यस मैम समझ क्या आ होता है लिविंग गया। थिंग बताओ, लिविंग थिंग्स क्या जो होता है? हाँ, हम खाते सांस लेना और खाना खाना। ये आंसर थोड़ी ना हुआ अलीना। जितनी भी चीजें सांस लेती है, खाना खाती है, अपनी जगह से बढ़ती है, यानी जिस जगह पे वो रहती है वो जगह पे नहीं रहती, उससे बढ़ जाती है। यानी कोई सीड है, सीड मतलब क्या होता है लीना? क्या सीड क्या होता है? सीड, सीड हाँ सीड। वो जिसको रोपते हैं जिससे वो सीड बनता है, गाजर सीड मूली टमाटर। नहीं, सीड का मतलब होता है बीज, जो कि हम जमीन में डालते हैं, बीज। हाँ ओके। सो अब यहाँ पर हमारा आता है रेनफॉल। अब रेनफॉल क्या होता है लीना? रेनफॉल वो नहीं पता। बारिश होना, बारिश होना रेन। यस, रेन मतलब बारिश, रेनफॉल यानी बारिश होना। मैम उसको तो हम खाली रेन बोलते हैं। बेटा रेन यानी बारिश होता है, रेनफॉल यानी बारिश होना होता है। ठीक है, रेनफॉल यानी बारिश होता है। तो प्लांट्स कीप द एयर कूल, प्लांट जो होता है वो वातावरण आसपास की चीजों को ठंडा रखता है। हवा जो होती है ठंडी रहती है जब बारिश होने वाला होता है और जब बारिश हो रही होती है, एंड बारिश वाला मौसम होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, शेल्टर। प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब जो शेल्टर है, शेल्टर मतलब क्या होता है ना? शेल्टर भी नहीं पता।
ओके, आपको ये पता है कि पेड़ के नीचे कौन रहता है? पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे मिट्टी रहता है। पेड़ के नीचे चिड़िया रहती है शेल्टर के लिए। शेल्टर मतलब पेड़ जो है वो ऐसे घना रहता है और उसमें ऐसे ऐसे उसके मतलब टेंटिकल बोल रही हूँ मैं, मतलब ये होते हैं उसके, ठीक है, और उस पे चिड़िया आके बैठती है। तो चिड़िया को जो छत मिलती है जिसमें कोई भी रहता है उसको शेल्टर वगैरह बोलते हैं हम, ठीक है। तो ओके जब बारिश का मौसम होता है तो प्लांट जो होता है वो बर्ड्स को, मंकी को और एलिफेंट्स को, इन सबको क्या होता है, शेल्टर देते हैं। मतलब कि वो लोग उसके नीचे आके छुपते हैं और प्लांट जो होता है वो उनको शेल्टर देता है, बचाता है बारिश के पानी से। ठीक है लीना, क्लियर हो गया ये चीज? मैम, यस मैम। अच्छा अब मुझे आप बताओ, नेम एनी फाइव थिंग्स अराउंड यू दैट आर मेड ऑफ, दैट मेड फ्रॉम प्लांट। नेम इसको रीड करो क्या लिखा एनी हुआ है। फाइव थिंग्स अराउंड यू दैट आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। समझ आ गया? नो मैम। किसी भी ऐसे पांच चीजों का नाम बताओ जो प्लांट से बना हुआ है, जो आपके आसपास है। नहीं, एक पेपर ओके, एक तो पेपर हो गया। और क्या बोलूँ, लकड़ी। लकड़ी? लकड़ी क्या है? लकड़ी नहीं, आप मुझे पांच चीजों के नाम बनाओ जो कि बना है, जो कि बना हुआ है, मेड है किससे, प्लांट से। एक तो आपने पेपर बोल दिया, और और ऑक्सीजन। अलीना, आपका सोफा जिसपे आप लेटी हो, आपका स्टडी टेबल जिसपे आप स्टडी करती हो, आपका डाइनिंग टेबल यानी चेयर, ये सारे लकड़ी से बने हुए हैं। और हमारा डोर गेट का मेन डोर हो गया, ये सारे लकड़ी से बने हुए हैं। आपको मैंने कहा था अपने आसपास देख लो कि उसमें कौन सी चीजें हैं जो लकड़ी से बनी हुई है। अब पता चल गया? यस चलो अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। अलीना रीड द क्वेश्चन एंड टेक द आंसर। मैम। लोटस एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब? एक्वाटिक जो एक्वाटिक नहीं है, पानी में। एक्वाटिक है। एक्वाटिक मतलब है ना अलीना, एक्वाटिक मैम, मतलब एक्वाटिक का मतलब जो पानी में है, मतलब पानी शाबाश, का कुछ होता है गुड, ना। जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी वाले प्लांट। अब इसको आगे रीड करो। ग्रोस ग्रोस अलोंग द ग्राउंड वाटरमेलन। अलीना, ग्रोज, ग्रोज यानी बढ़ना। हाँ मैम, पता आंसर मैम। आंसर वाटर मेरे। रीड द क्वेश्चन गेट एंड फ्रॉम आंसर। द वी गेट फ्रॉम द लेटेस्ट ऑफ लवर। मैम, फोर्थ वाला क्वेश्चन रह रहा है, ट्री इज ओके मैम, यूज टू फॉर फॉर मेकिंग मेकिंग पेपर। पेपर।
tree is used to for making paper. Bamboo, very good. ओके सो फिल इन द ब्लैंक्स करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ Most of the food we eat comes from plants. Plants like oak and maple, stream. ओके आपने किया ट्री आर बिगेस्ट प्लांट, ट्रू. प्लांट ग्रो ओनली ऑन लैंड, ट्रू. नहीं अलीना, प्लांट मैंने अभी आपको बोला था सिर्फ धरती पे उगने वाले प्लांट नहीं होते हैं, पहाड़ों पे भी उगते हैं, पानी में भी उगते हैं, बहुत सारी जगह उगते हैं. फॉल्स है. वॉटर लिली इज एक्वेटिक प्लांट, ट्रू. वेरी गुड. मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट फ्रॉम प्लांट, ट्रू. वेरी गुड. प्लांट लाइक ओक एंड मेपल ग्रो इन द एक्सट्रीमी क्लाइमेट, ठीक है. नीचे वाला आपका फॉल है. अब अलीना दिस इज योर क्वेश्चन आंसर, हाउ इज ट्री डिफरेंट ए हर्ब्स. अब इन्होंने बोला है ट्री और हर्ब्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है. ट्री बड़ा होता है, हर्ब्स मीडियम साइज का होता है, और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं ये आपको लिखना है क्योंकि मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ उसके बारे में. एंड वॉट आर हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं. हर्ब्स बहुत स्मॉल प्लांट होते हैं जिनको हम मेडिसिन के लिए भी यूज करते हैं. नेम एनी थ्री प्लांट्स, नेम एनी थ्री हर्ब्स नेम. तो तीन किसी भी फ्लावर्स के नाम बताने जो बहुत छोटे हैं, हर्ब्स के प्लांट के नाम बताने. व्हाट आर डेजर्ट्स प्लांट्स, मतलब कौन से रेगिस्तान वाले प्लांट है उसके नाम लिखना है. एनी टू. और इन विच प्लेस, अब यहाँ पर जो रेगिस्तान में जो उगता है कैटल्स एंड डेटा प्लैम ग्रो वेल, मतलब ये जो उगता है ये कैसे उगता है ये पूछा गया आपको. इन विच प्लेस मतलब ये कैसे उगते हैं. और why should be plant tree is our surrounding, मतलब कि क्यों हमें रखना चाहिए प्लांट को अपने आसपास. ऑब्वियसली ये तो हमें पता है, बिकॉज ऑफ हम बिना प्लांट के सांस नहीं ले सकते, हम सारे मर जाएंगे अगर प्लांट नहीं होगा तो. और बहुत सारी चीजें हैं, यानी 90% चीजें हैं जो हमें सिर्फ प्लांट से मिलता है. हमें खाना सिर्फ दो जगह से प्रोवाइड होता है, एक तो प्लांट से, दूसरा एनिमल से. एनिमल्स से जो प्लांट जो खाना हमें प्रोवाइड होता है उसको हम फ्लैश बोलते हैं, यानी मीट वगैरह प्रोवाइड होता है तो वो एनिमल से प्रोवाइड होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चीजें जो प्रोवाइड होती हैं वो प्लांट से होती है. तो अलीना ये आपका होमवर्क है, ये मुझे आप आज या कल सुबह तक करके भेज देना. ओके ओके मैम. बाद में तुम कहती हो कि अलीना मेरे पास आंसर नहीं है. मैम इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करके मुझे भेजना, फिर हम क्लास लेंगे. कल की क्लास 4 बजे होगी तो आपने होमवर्क जल्दी भेज देना. स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस मैम. ओके ठीक है, बाय बाय. बाय बाय मैम.